इज्जत, आपका पहचान, ये सबसे बड़ा होता है। ये सब चीज आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे मौके पर कई बड़े चीज हमको फिर से याद रखना हो। आज जब हर डिस्ट्रिक्ट में मैं जब जाता हूं तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है। हेलीकॉप्टर नहीं लेता हूँ, मेरे खराब होता हूँ तो मैं रोड जाता है तो वो रोड का कंडीशन देख कर मुझे अच्छा लगता है। मैंने उस दिन यूरोपियन में गया, वहां में भी पता है जो कुछ समय में, फिर घंटे में जहां हम एमपी बनते ही पैदल किया था करागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और घंटे में उस दिन मैं फिर से गाड़ी में गया और वहां में मैंने बताया 2004 में कोलोरियम में मैंने पब्लिक भाषण दिया था 2004 का चुनाव में, और मैंने वादा किया हमारा सरकार आएगा, मैं कोलोरियम से ईटानगर 5 घंटा में पहुंचाएगा, ऐसा रास्ता बनाएगा। और बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो बोला कि काले खेत साहब कोलोरियम से ईटानगर 5 घंटा में कैसे पहुंचाएगा, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय किसी ने सोचा नहीं है कि कोलोरियम तक भी डबल लेन रास्ता पहुंचाएगा। किसी ने नहीं सोचा कि तक्षिण तक भी गाड़ी रास्ता पहुंचेगा, दापोरिजो तक भी हमारा डबल लेन होगा, सेप्पा से ईटानगर 4 घंटा में रास्ता पहुंचता है। और जब मेहनत करके हम लोग स्कीम लाता है तो कुछ लोग सिर्फ स्कीम से पैसा कितना मिलेगा वो देखता है, हम उस स्कीम से 1 लाख पैसा 1 कप चाय नहीं दिखाई देता है, मुझे उस स्कीम से लोगों को लाभ दिखाई देता है, लोगों का जिंदगी को आराम करने के लिए जो कुछ हमको करना होगा हम करेंगे। मैं आजकल चुनाव में प्रचार के लिए आने वाला नहीं हूँ। हेमंत खंड साहब को मैंने बताया, सीएम साहब ने मुझे कहा कि आप इतना बड़ा जिम्मेदारी लेकर के आ रहे हैं, हमारा इतना बड़ा स्टेट है, ऑपरेशन कम होने से एरिया बड़ा है, हम लोग संभाल लेगा, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। सारा अरुणाचल का काम केंद्र में कैबिनेट होने के नाते एज ए कैबिनेट मिनिस्टर की मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ मेरे लिए भी आपको चिंता करना हो। आप हर एक आदमी अगर हमारे जिम्मेदारी लेंगे तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, नहीं तो हमको यही नाला नाला गांव गांव गली गली घूमते रहो बोलने से फिर हम दिल्ली से काम नहीं कर पाएंगे। ये सारा काम करने के समय देना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। ये तो अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर 9 तारीख में अरुणाचल में आ रहे हैं, कई परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाले हैं। इलेक्शन आते आते अरुणाचल का हर एक गांव में 4G नेटवर्क मोबाइल फोन हम लोग पहुंचाएगा 100%। ये कमिटमेंट के साथ काम किया, मुझे मालूम है 1-2 गांव में टावर पहुंचाना मुश्किल है, तो लगातार 1 महीने में 2-3 बार रिव्यू मीटिंग लेना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बैठा है वो अरुणाचल का समझता नहीं है, उसको पकड़ पकड़ के समझाना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर स्कीम देने के बाद भी कैबिनेट से पास करने के बाद भी उसको जमीन तक ले जाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आपका भरपूर समर्थन का आवश्यकता पड़ेगा। आज जो बेसिक चीज है एक इंसान को जो चाहिए वो आज लगभग मिल गया है, मेरे लिए खुशी का बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है जिसका पेट खाली है, जिसका पेट में भोजन नहीं है, उसको नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है। आप ज्ञान उसी को दे सकता है जिसका पेट भरा हुआ है। हम लोगों ने ये कोशिश किया कोविड के समय में भी, मेरे करोड़ों रुपए अपना मैनेजमेंट करके सरकार के अलावा भी सब आपको मिला हुआ, यहाँ में मास्क भेजा है, हॉस्पिटल भेजा है, दवाई भेजा है, ये सब सरकारी पैसे के बगैर करोड़ों रुपए हमने चंदा उठा करके ट्रक का ट्रक लोड करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया। आज गरीबों को यहाँ एक्चुअली एरिया में तो खेती बाड़ी अच्छा होता है, हमारे तो अरुणाचल में कई जगह ऐसा है खेती ठीक से नहीं होता है, और हर एक गरीब को घर में चावल फ्री पहुंचाने का जो काम चल रहा है, मैंने पूछताछ किया है लगभग सबको मिल रहा है, हर एक घर में पानी पहुंचा रहा है, बिजली पहुंचा रहा है, गैस चूल्हा पहुंचा रहा है, और उसमें खाने के लिए चावल भी पहुंचा रहा हूं, तो ये बेसिक चीज हो गया। अगर ये बिजली पानी सड़क जो बेसिक इंसान को चाहिए, अगर ये काम 20 साल पहले हुआ होता तो आज हम आपका रेवेन्यू जनरेशन की बात किया होता।
आप बीच में बैठ करके इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस पर बात करता, टैक्सेशन के बारे में ज्ञान देता।